मंच पर उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, सभी उत्तर प्रदेश के पदाधिकारी, सभी विधायक, हमारे यहाँ उपस्थित सांसद रामशंकर जी, दोनों मेयर आशुतोष जी और अंजलि जी, क्या बोल रहे हो, और उपस्थित सभी भाई और बहनों, आप सबको देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं ऐसे रैलियों में झंडा लेकर सहभागी होता था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में दीवारों पर लिखने का काम करता था, पोस्टर चिपकाने का काम करता था और दूर से ऐसी नेताओं की रैली में देखता था। मुझे सपने में कभी लगा नहीं कि जिस पार्टी में मैं कार्यकर्ता करके देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रणब मुखर्जी और चिदंबरम जी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, पर मेरा पूरा विश्वास है कि वो प्रधानमंत्री का सपना जरूर देख सकते हैं पर कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनने का सपना तक नहीं देख सकते, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद गांधी परिवार के लिए आरक्षित है। कांग्रेस पार्टी ये मां बेटों की पार्टी है, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं है, पार्टनरशिप कंपनी नहीं है, प्रोप्राइटरी कंसर्न नहीं है, ये तो किराने की दुकान है। एक मालकिन बैठी है और बाकी नौकर साफ सफाई का काम कर रहे, ये कांग्रेस पार्टी है। बहन और भाई, और कांग्रेस में वही परंपरा चलती रही, कांग्रेस का इतिहास, कांग्रेस की विरासत और कांग्रेस के नेता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर बहुत बड़ी श्रृंखला बनी है। आज कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता चाहे कितने भी बड़े हो, वो सोनिया मैडम के सामने कुंभिसान करते हैं, क्योंकि वहां लाचारी के सिवा कुछ नहीं है, इनको कोई नहीं पूछता। आगरा का अध्यक्ष कौन होगा कांग्रेस पार्टी का, इसका भी निर्णय सोनिया जी के पास जाता है। न कोई पार्टी के चुनाव होते हैं, न पार्टी की कोई सीरियसली कोई मीटिंग होती है, सोनिया जी कहती है वही पार्टी कहती है, सोनिया जी निर्णय करती है वही पार्टी का निर्णय होता है। एक मैडम और एक राजकुमार और बाकी सब कांग्रेस पार्टी के किराने दुकान के नौकर है, इनको कोई महत्व नहीं। हिंदुस्तान में 1000 पार्टियां है, उसमें से 50 पार्टी सीरियस है और 50 में से 5 पार्टी प्रमुख है। आज आप देखिए मुलायम सिंह जी की पार्टी की हालत क्या है, उनका लड़का, उनकी बहू, उनका भाई, ये सब परिवार की पार्टी है, फैमिली पार्टी है। मायावती जी को तो परिवार ही नहीं है, तो वो अकेली पूरी पार्टी की मालकिन बन चुकी है। लालू प्रसाद यादव के पास देखिए, जब उनको चारा घोटाले में मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा तब उनको पार्टी का कोई दूसरा नेता याद नहीं आया। जब सत्ता छोड़ने की बात आई तो उनको राबड़ी देवी की याद आई। याद कर गुरु को पांच गुजरा क्यों नहीं हुए, तो मैंने पूछा आपका कौन होता है, तो बड़े मीडिया ने तो उछाल उछाल कर लिखा और दिखाया कि गडकरी की जवान एकदम फिसल गई। आप बताइए मुझे, इस देश को, इस मातृभूमि को, हमारे लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर को ध्वस्त करने वाले अफजल गुरु को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा देने के बाद में भी आज 6 साल हुए फांसी की सजा नहीं दी जाती, इसका कारण क्या है? क्या इस देश में आतंकवाद का तुष्टिकरण हो रहा? क्या इस देश में आतंकवाद के तुष्टिकरण का नाम सेकुलरवाद होगा? मैं
बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी किसी जात पंथ धर्म भाषा का आधार करके राजनीति नहीं करना चाहती। हम आतंकवादियों के खिलाफ है, हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ रहती तो हमारे श्रेष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी इस देश के श्रेष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब को हिंदुस्तान का राष्ट्रपति कैसे बनाते। 138 करोड़ का चुना हमारे देश को लगाया और एक इंडियन कंपनी को आउटसोर्स करके दिया। मनमोहन जी से कह के मुझे पता नहीं, सोनिया जी बोलती है मुझे पता नहीं, 70,000 करोड़ खर्चा हुए। कार्रवाई केवल कलवाड़ी पर होगी? बेचारा कलवाड़ी जूते धारा उसने कामे में ऐसा किया और 170 करोड़ के लिए कलवाड़ी जूते खाड़ा है। भाई और भाइयों ये बताओ कि 70,000 करोड़ की लूट की वो चोर कहां छुपे हैं? उनके नाम सामने क्यों नहीं आ रहे? सीबीआई उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? ये स्टेडियम के गपले किसने किए? जरा मेरे भाषणों की कैसे ठीक से निकाल लीजिए, रिकॉर्ड करिए और कांग्रेस वालों के पास पहुंचा दीजिए। मैं आरोप लगा रहा हूं और उनको कह दो कोई माइक का लाल कांग्रेस की होगा तो मेरे ऊपर डिफेमेशन के सुर डालने की हिम्मत दिखा। कॉमनवेल्थ गेम की हर फाइल को कैबिनेट सब कमेटी, एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी, पीएमओ, प्रधानमंत्री और उनके मिनिस्टर ने हर फाइल को क्लियर किया है। कलवाड़ी के पास तो भारत अभिशुद्ध राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, कोई भी हो, अलग भाषा अलग देश, फिर भी हमारा एक देश। हम सभी को एक मानते हैं। भारत की तरह का विचार हमारा विचार है, राष्ट्रवाद का विचार हमारा आत्मा है और गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, सुशासन और प्रशासन के द्वारा हम हिन्दुस्तान का विकास करना चाहते हैं। भारत भूमि पर आतंक से मुक्त, विज्ञान तथा विज्ञान कंप्यूटर का उपयोग करके हम दुनिया की पहले नंबर की महाशक्ति हिंदुस्तान को बनाना चाहते हैं। यही हमारा सपना है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने बताया हुआ जो समाज का शोषित है, दलित है, इसलिए बड़े प्रमाण पर फिर से लोग जुड़ रहे हैं। मेरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत पर फिर से एक बार उत्तर प्रदेश में सत्ता हासिल करने में 100% यशस्वी होगी। ये मेरा विश्वास है जो आपके भरोसे मैं कह रहा हूं। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, साफ कर देना चाहता हूं, एक बार हमने गलती की थी अब फिर नहीं करेंगे। हम पूरी तरह से चुनाव के बाद बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी से डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर आपने हमको शासन में नहीं बिठाया तो विपक्ष में बैठकर ईमानदारी से आपकी सेवा करते रहेंगे, पर इनके साथ किसी प्रकार का सहकार्य नहीं होगा। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वालों को मैं बता देना चाहता हूं, अब हमको टिकाऊ मित्रों की जरूरत नहीं है। हम टिकाऊ मित्रों को लेकर आगे जाएंगे। पैसे खाने वाले वोटिंग के लिए ऐसी कोई पार्टी के साथ हम कोई सहकार्य नहीं करेंगे, कोई अलायंस नहीं करेंगे। बहनों और भाइयों, मैं आपसे प्रार्थना कि महात्मा गांधी ने राम राज्य की जो कल्पना की थी वो यही है। अब राम के मंदिर का रास्ता तो साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने निर्णय के बाद ये निकालिया है, बताया कि जो उगाड़ी क्षेत्र था वो राम, प्रभु रामचंद्र की जन्मभूमि है। प्रभु रामचंद्र किसी धर्म जात पंथ के प्रतीक नहीं, वो हिंदुस्तान के इतिहास और विरासत के प्रतीक है। हमारे सांस्कृतिक श्रद्धा को कोई चुनाव का मुद्दा नहीं बन सकता, न भारतीय जनता पार्टी बनाना चाहती है। पर प्रभु रामचंद्र हमारे भगवान के स्वरूप, हमारे देवा स्तोत्र है।